सिंथेटिक फाइबर्स का दूसरा पार्ट है प्लास्टिक्स। देखिए प्लास्टिक इज ऑल्सो लाइक ऑल सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स इट इज अ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमर। अब प्लास्टिक को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, विच मीन्स विच कैन बी गिवन शेप अगेन एंड अगेन। इसका एग्जाम्पल है पीवीसी है, पॉलिथीन है। इन प्लास्टिक को आप अगर जरा सा भी हीट करोगे तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म का मतलब क्या है, इनकी शेप आप चेंज कर सकते हो। पीवीसी पाइप जो है घर का, जब घर बनता है तो घर के अंदर बिजली की तारें डालने के लिए ब्लू कलर का पाइप यूज होता है जो दीवार के अंदर फिट किया जाता है। अब जहाँ पे इसको बेंड देना हो या जहाँ पे इसको थोड़ा सा मोड़ना हो तो उसको हीट करके आराम से मोड़ा जा सकता है। विच मीन थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। देन वी टॉक अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दीज आर बोथ टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। Thermosetting plastics once molded cannot be molded again. They cannot be, their shape cannot be changed again and again. जब आप स्विच ऑन करते हो फैन का, कूलर का, तो जो स्विच आप ऑन कर रहे हो स्विच किसका बना हुआ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। उस पर्टिकुलर प्लास्टिक को बैकलाइट करते हैं। वंस गिवन अ शेप दे कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। गाड़ी का जो गैस, जो कार का डैशबोर्ड होता है वो भी थर्मो प्लास्टिक का बना होगा। अगर आप इसको हीट करोगे पहली बार तो ये आसानी से बेंड नहीं होगा, दे डू नॉट कैच फायर। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली अगर इसको बेंड करते जाओगे, बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो ये लिक्विड की तरह पिघल जाएगा, लिक्विड की तरह पिघल के नीचे गिर जाएगा। देन वॉट इज द बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस है इतना, है ये भी पॉलीमर है ये भी पॉलीमर है। लेकिन मोनोमर जिस तरीके से अटैच हुए हैं इसमें, जिस तरीके से इनके मोनोमर के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं वो डिसाइड करते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। थर्मोप्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट है। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, एक लेयर है दूसरी लेयर है, लेकिन उस दोनों लेयर के बीच में कोई बॉन्डेज नहीं है। वन लेयर कैन इजीली स्लिप ओवर द अदर, ठीक है। जिसकी देखो ये लीनियर लेयर है मोनोमर की, ये भी लीनियर लेयर है मोनोमर की, ये भी लीनियर, लीनियर का मतलब क्या, एक लाइन। लेकिन इन दो लेयर्स के बीच में आपस में कोई बॉन्डेज नहीं है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि जो मोनोमर की लेयर्स हैं वो आपस में तो उनके मोनोमर बॉन्डेड है ही है, आपस में तो वो कनेक्टेड है ही है, लेकिन जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके बीच में भी बॉन्ड है, उनके बीच में भी कनेक्शन है। एज अ रिजल्ट लेयर एक के ऊपर एक सरक नहीं सकती, और जब लेयर एक के ऊपर एक सरक नहीं सकती तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना। अगर आप लोहे के मटेरियल के बीच में वेल्डिंग कर दोगे और दो तीन अलग अलग लेयर लगा दोगे लेकिन लेयर के बीच में कोई वेल्डिंग नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें भी लोहे के किसी मटेरियल से उसको जोड़ दें, वेल्ड कर दें, तो क्या होगा, फिर ये रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा। रिजिड का मतलब क्या हो गया, सख्त हो गया। इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर एक बार शेप दे दिया जाए तो इसका शेप दोबारा चेंज नहीं होगा। पहली बात तो ये हीट करने पे बेंड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हीट करोगे तो ये लिक्विड ही तरह निकल जाता है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा लिक्विड ही तरह। लेकिन थर्मोप्लास्टिक की शेप हम बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पीवीसी में होता है, पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग तो बहुत कॉमन चीज है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बैकलाइट। बैकलाइट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए। मेलामाइन, मेलामाइन जो है ये यूज किया जाता है प्लास्टिक की क्रॉकरी बनाने के लिए। माइक्रोवेव ओवन में भी जो यूज किया जाता है, माइक्रोवेव के लिए अलग से क्रॉकरी आती है, तो माइक्रोवेव क्रॉकरी बनाने के काम भी क्या आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी प्लास्टिक लोगे तो माइक्रोवेव की गर्मी में वैसे बिगड़ जाएगा, वो डीफॉर्म हो जाएगा, उसकी शेप ही बिगड़ जाएगी। तो मेलामाइन जो है ये क्रॉकरी बनाने के काम आता है। और दूसरा, कोटिंग ऑफ मेलामाइन इज डन ऑन द सूट ऑफ द फायरमैन। जो लोग आग बुझाने के दफ्तर में काम करते हैं, जब ये आग बुझाने जाते हैं तो उनके सूट के ऊपर जो कवरिंग होती है किसकी होती है, मेलामाइन की, बिकॉज इट इज हीट रेजिस्टेंट। गर्मी से ये पिघलता नहीं है, क्योंकि ये इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होता। तो ये दो टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं। अब हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है।
जैसे सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर से पहले पार्ट में, उसके कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है, प्लास्टिक के भी कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला दे आर लाइट वेट, दे आर वेरी लाइट, दे आर नॉन क्रोसिव। नॉन क्रोसिव का मतलब उनको जंग नहीं लगता, जंग नहीं। देखो पहले किसी टाइम में बाथरूम में लोहे की बाल्टियां यूज हुआ करती थी, अब ज्यादातर बाथरूम में प्लास्टिक की बाल्टियां यूज होती हैं। क्यों? लोहे की बाल्टी को अगर आप जमीन पर रखोगे काफी समय तक तो पानी की वजह से उसमें क्या लग जाएगा? रस्ट, जंग लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जो है नॉन क्रोसिव होते हैं। नॉन क्रोसिव का मतलब क्या है? इनमें जंग नहीं लगता। और नॉन क्रोसिव है, और अगर एक दो अलग अलग साइज की आप ले लो, बकेट्स ले लो, एक बकेट बनी हुई है आयरन की, एक बकेट बनी हुई है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की बकेट का वेट जो होगा वो कम होगा, ये भी इसके एडवांटेज है। फिर दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, प्लास्टिक को हम अलग अलग शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई चीज है तो शेप देना आसान है और उसका वेट भी कम है। आप अपने घर में देखो जो अचार है, पिकल है, पिकल को हम या तो ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं या प्लास्टिक कंटेनर में, क्योंकि प्लास्टिक आर नॉन क्रोसिव। ठीक है, ये इनकी एडवांटेज है। दे कैन बी गिवन वेरियस शेप, दे कैन बी गिवन वेरियस कलर्स। टॉयज आते हैं बच्चों के प्लास्टिक के, कितने अलग अलग रंग के होते हैं, तो उनमें अलग अलग कलर मिक्स करके उनको अलग अलग कलर की भी शेप दी जा सकती है, अलग अलग कलर भी दिए जा सकते हैं और अलग अलग कलर की शेप भी बनाई जा सकती है। ज्यादातर टॉयज या बच्चों के प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन माइंड यू दैट इज फूड ग्रेड प्लास्टिक। फूड ग्रेड प्लास्टिक वो होता है जिसको कि अगर बच्चा मुंह में चबाएगा या कुछ खाने की कोशिश करेगा तो वैसे उसमें टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर से नहीं निकलेंगे। ये प्लास्टिक के एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस के सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। देखो प्लास्टिक की देखो डिसएडवांटेज करते हैं तो उसमें प्लास्टिक के आर्टिकल्स भी आते हैं और पॉलिथीन भी आता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल विच मीन्स इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब तक तो हम प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में बॉर्नविटा आया, बॉर्नविटा जो आया वो प्लास्टिक के जार में आया, अगर तो बॉर्नविटा खाली करने के बाद जो जार बच गया है उस जार को आप यूज कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन अगर उस जार को आप फेंक देते हो तो फिर ये क्या है, ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। क्योंकि जब प्लास्टिक का जितना भी कूड़ा है, प्लास्टिक जो जितना प्लास्टिक जो हमने फेंक दिया घर से बाहर, वो सारा का सारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो जिससे कि जो कलर पॉइजनस होते हैं। अभी मैंने बात करी थी फूड ग्रेड प्लास्टिक, लेकिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से मान लीजिए अब बच्चों के टिफिन बॉक्स की बात करते हैं। कई टिफिन बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो एक्सपेंसिव इसलिए कि उसमें अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, जिसको कहते हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक। लेकिन कभी कभी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो शॉपकीपर हैं या जो फैक्ट्री वाले बच्चे उसको बनाते हैं, वो सस्ता प्लास्टिक यूज करते हैं, उसमें कलर मिलाते हैं, कलर क्या है, टॉक्सिक। दीज आर पॉइजनस कलर्स विच कैन बी हार्मफुल। अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक है तो उस खिलौने को बच्चा अगर मुंह में भी ले लेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है, चीप प्लास्टिक है, तो अगर वो ज्यादा देर को चबाएगा तो वो उसके लिए पॉइजनस है, वो उसके लिए हार्मफुल है। फिर प्लास्टिक आर आल्सो हार्मफुल फॉर एनिमल्स। हाउ? हम लोगों की आदत है, हम लोग क्या करते हैं, जब खाने का सामान जैसे आम खाया, छिलके बन गए, उसको प्लास्टिक की थैली में बांटा, रखा ऐसे ऊपर से बांधा और फेंक दिया, तो जो एनिमल उस थैली के समय फूड को खा जाता है वो फैली जाकर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना चाहिए, चोक, द एनिमल कैन डाई। यूज ऑफ पॉलिथिन बैग जो है अब बंद हो गया है। आजकल आप देखते हो किसी भी दुकान पे जाओ तो वो कहते नहीं आप अपने घर से थैला लेके आओ, हम थैला नहीं देंगे। और थैला क्यों नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पहली बात एनवायरमेंट को हार्म करता है, दूसरी बात इसी प्लास्टिक के थैले में जब आप अपने घर में कूड़ा करके बाद भी फेंक देते हो तो वो कई एनिमल्स खाने के लालच में उसको थैली समेत ही खा जाते हैं,
जस्ट फॉलो इट उनकी फूड पाइप क्या हो जाती है चोक, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या हो जाता है चोक, एंड अल्टीमेटली एनिमल जो है तड़प तड़प के अपनी जान बदलता है। उसके अलावा प्लास्टिक बैग्स आर नॉट डीकम्पोज बाय वाटर। जब डॉक्टर की दुकान पे जाओगे उनका कि देखो खाकी रंग की ब्राउन कलर की कागज के लिफाफे में दवाई देता है, उस कागज के लिफाफे को पानी में रख दो, दो दिन के बाद वो गल जाएगा। तो गल जाएगा मतलब क्या, थोड़ा सा भी आप पानी में डाल दोगे तो फट ही जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में पानी का कोई असर नहीं होता। हम लोग थैलियाँ फेंक देते हैं सड़क में, वही थैलियाँ जो हैं किसी ना किसी तरीके से जाके नालियों में फंस जाती हैं। नालियों में फंस जाती हैं तो नालियों को भी चोक कर देती हैं। दे चोक द ड्रेनेज सिस्टम। अब बारिशें आएगी देख लेना, बारिशों में सड़कों में पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है सड़कों में गलियों में पानी भर जाता है। क्यों, क्या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है? ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन उन ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने खुद ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक कर दिया? वेस्ट मटेरियल को प्लास्टिक की थैलियों में भर भर के फेंक दिया, और जब वो थैली में किसी नाली में चली जाती है नाली को ब्लॉक कर देती है। जितना मर्जी पानी उसके पीछे पड़ा रहे वो गलेगी नहीं। प्रेशर से तो आगे जा सकती है, लेकिन पानी से वो गलेगी नहीं। चाहे वो एक महीना, दो महीने, तीन महीने, साल भी रखोगे तो पानी से प्लास्टिक गलता नहीं है। इसलिए प्लास्टिक जो है, जो यूज है पॉलिथीन बैग्स को डिस्करेज किया जाता है। लेकिन अब बाजार में नए किस्म के प्लास्टिक बैग्स आ गए हैं जिनकी थिकनेस सरकार ने लिमिट कर दी है। वो तो थिकनेस की वजह से दे कैन बी कंसिडर्ड एज बायोडिग्रेडेबल और लेस हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। तो व्हाट कैन बी पीपल डू टू कन्वर्ट देयर डिसएडवांटेज इनटू एडवांटेज इज दैट वी शुड रीयूज एंड रीसाइकल ऑल दी प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, बॉर्नविटा का जार लेके आया, बॉर्नविटा सारा पी लिया, तो जार को फेंको मत, उस जार को किसी और काम में ले आओ। हम लोग घर में जब पेंट कराते हैं तो पेंट जो है बड़ी बड़ी बकेट में आता है, एक लीटर 10 लीटर की बकेट में आता है। उस 10 लीटर की बकेट को फेंको मत, उस 10 लीटर की बकेट के अंदर या तो पानी भरना शुरू कर दो, स्टोर करना शुरू कर दो, वो भी एक छोटी बकेट ही इतना काम आएगा, या उसमें कोई पेड़ पौधा उगा लो, लेकिन उसको फेंको मत। प्लास्टिक जब तक आप यूज कर रहे हो उसकी एडवांटेज है, लेकिन जैसे ही आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया, जब आपको उसने फेंक दिया कूड़ा समझ के, तब उसकी क्या शुरू हो जाती है डिसएडवांटेजेस। तो ये बहुत ब्रॉड लाइन मैंने आपको समझाया है चैप्टर का, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। हर बार मैं आपको ये बात कहता हूँ, जो मेरे नोट्स हैं वो एनसीईआरटी के बेस पर हैं। हो सकता है कि आपको किसी और पब्लिशर की बुक लगी हो उसमें ज्यादा नोट्स हो, कुछ अलग टॉपिक्स हो, दैट यू कैन डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप। टिल देन बाय।